Hello guys, welcome back to my online classes. Today we will discuss about PowerPoint presentations. इसमें हम आज करेंगे एंटरिंग का कंटेंट इन अ स्लाइड, किस तरीके से आप अपनी स्लाइड में कंटेंट डाल सकते हैं, एडिटिंग द टेक्स्ट स्लाइड की किस तरीके से आप जो स्लाइड का टेक्स्ट है उसको आप कैसे एडिट कर सकते हैं, और किस तरीके से आप लास्ट जो है कि किस तरीके से आप अपने स्लाइड में जो टेक्स्ट है उसको कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, कैसे आप उसको अलग अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, कैसे उसको आप अलग किसे उसको साइज दे सकते हैं और कलर्स दे सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है एंटरिंग अ कंटेंट इन अ स्लाइड। तो हम कंटेंट जो ऐड करेंगे वो हम टू वेज में कर सकते हैं। फर्स्ट है एडिंग अ टेक्स्ट टू अ स्लाइड यूजिंग अ प्लेस होल्डर, यानी कि जो हमारे पास जो प्लेस होल्डर होता है डायरेक्ट हम क्या है उसमें भी अपने टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। सेकेंड है एडिंग अ टेक्स्ट यूजिंग द टेक्स्ट बॉक्स। अगर हमारे पास क्या है ब्लैंक आपकी स्लाइड है तो क्या है आप वहाँ पर ड्रॉइंग टूल में जाके वहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा आपके पास वहाँ पर आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक हम न्यू स्लाइड को ऐड कर लेते हैं। जैसे हम न्यू स्लाइड को ऐड करेंगे तो ये आपका प्लेस होल्डर है, यहाँ पर क्या है आप अपने जो भी आपका टेक्स्ट है उसको एंटर कर सकते हैं। ओके, सेकंड आपके पास आ जाता है, आपने जो है यहाँ पर करना क्या है आपकी जो न्यू स्लाइड है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं ब्लैंक स्लाइड, और यहाँ पर आपने जाना कहाँ पर है ड्राइंग टूल पर जाना है। यहाँ पर होम, देन आपने ड्राइंग, ड्राइंग पर आपने ये जो फर्स्ट आपको शो हो रहा है दैट इज योर टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा, और आपने इसको क्या करना है रिसाइज करना है, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, आप इसमें अपना एंटर डायरेक्ट एंटर कर सकते हैं। गॉट इट। इसमें सबसे मेन बात यह है कि जैसे आप टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिए आपके पास एक मेन्यू क्रिएट हो जाएगा दैट इज योर फॉर्मेट। जैसे फॉर्मेट पे क्लिक करोगे आप क्या है अपने इस टेक्स्ट बॉक्स को अच्छे से यहाँ पर स्टाइलिश बना सकते हैं और अच्छे अच्छे स्टाइल्स इसमें दे सकते हैं। यहाँ पर देखो आप इसका जो बैकग्राउंड है वो आप फिल कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, ये देखिए। और सेकेंड थिंग ये है यहाँ पर शेप फिल यूज कर सकते हैं आप, और दूसरा जो आपके पास है वर्ड आर्ट स्टाइलिश की आप किस तरीके से अपने टेक्स्ट को स्टाइलिश बना सकते हैं। तो यहाँ से आप सबसे पहले, अभी तो मेरे पास सिर्फ यहाँ पर एक ही वर्ड है तो डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है, तो पहले आपने अपने कंटेंट को सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद आपके पास जो भी वर्ड आर्ट आप चूज करना चाहते हैं वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। Got it? First, हमारा आ गया कि जो हमारा ऑलरेडी टेक्स्ट होल्डर, ये जो प्लेस होल्डर होता है इस पर आप डायरेक्ट कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। सेकेंड आपके पास आ गया कि आप अपने ड्राइंग टूल में जाके टेक्स्ट बॉक्स को लेके यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ऐड करके अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं स्लाइड में। Got it? तो सेकेंड हमारे पास आ जाता है एडिटिंग द स्लाइड टेक्स्ट, कि हम किस तरीके से अपनी स्लाइड का जो टेक्स्ट है उसको एडिट कर सकते हैं। तो इसके भी दो स्टेप हैं, एक तो आप कॉपी कर सकते हैं, दूसरा आप उसको मूव कर सकते हैं। गॉट इट। ये देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये वर्कशीट है, मुझे इस वर्कशीट का डाटा जो है ये कॉपी, यानी कि मुझे ये नहीं चाहिए, या फिर मुझे क्या है यही जो वर्कशीट की डेफिनेशन है ये क्या है मुझे कहीं और किसी और स्लाइड में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले पूरा जो भी टेक्स्ट हमें चाहिए उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर जाके हम इसे कॉपी करेंगे और दूसरी स्लाइड में हम इसे क्या कर देंगे, यहाँ जाके जहाँ पर भी हमें डाटा चाहिए टेक्स्ट चाहिए वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ये जो पेस्ट है, पेस्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे जो जो भी डाटा है वो हमारा यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो वे मैंने बताया मूव करने का वो भी यही है कि आपको क्या है यहाँ पर ये जो आपने डेफिनेशन दी है या आपको यहाँ पर नहीं चाहिए तो आप इसे क्या कर सकते हैं किसी और जगह किसी और स्लाइड में आपको चाहिए तो यहाँ से कट कर दीजिए इसे, और जिस भी स्लाइड में फॉर एग्जांपल आपने करना क्या है जहाँ वर्कबुक है वहीं पर ही आपने क्या है अपनी वर्कशीट की डेफिनेशन ऐड करनी है तो यहाँ पर जाके आप इसे पेस्ट कर देंगे तो क्या होगा जहाँ पर आपकी वर्कशीट है वहाँ से ये डाटा पूरा मूव होके आपका वर्कबुक के साथ ऐड हो जाएगा।
गॉट इट। सेकंड, जो थर्ड हमारे पास आता है, फॉर्मेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ स्लाइड, कि आप किस तरीके से आपका जो टेक्स्ट है स्लाइड में, आप किस तरीके से उसे फॉर्मेट कर सकते हैं। स्टेप्स टू फॉर्मेट दिस टेक्स्ट ऑन अ स्लाइड, फॉर्मेटिंग अ टेक्स्ट बॉक्स यूजिंग द रिबन, कि पहले हम क्या है, रिबन के थ्रू जो है अपने टेक्स्ट को स्टाइल दे सकते हैं। ये आपका यहाँ पर ये जो होम मेन्यू है, यानी कि ये मेन्यू है, जैसे हम किसी भी मेन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, जो ये नीचे ये शो हो रही है ये वाली लाइंस टूल की, दैट इज योर रिबन, इसको रिबन बोलते हैं। यानी कि पहला स्टेप ये है कि आप अपने रिबन के थ्रू, यानी कि जो होम पेज है आपका, जो होम मेन्यू है, उसमें जो ये जो आपकी यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल जो बार आ रही है, दैट इज योर होम रिबन, यहाँ से भी क्या है, आप अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। ये देखिए, टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करिए, जैसे जैसे मैं आपको बताती हूँ, दैट इज योर स्टेप्स, आप इनको खुद ब खुद क्या है, अपनी कॉपी में और खुद ब खुद आप इस क्वेश्चंस का आंसर स्टेप्स में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, होम मेन्यू पर जाइए। सेकंड स्टेप रहेगा, आप अपना जो डाटा है जिसको आप फॉर्मेट करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट करिए, देन आप फॉन्ट पर जाइए। अगर आपको कोई इसका स्टाइल चेंज करना है, जो भी आपको चाहिए, तो आप इसे चूज कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये स्टाइल जो भी आपने टेक्स्ट चूज किया था वो आपका चेंज हो गया। जिसका भी आप साइज चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से आप डायरेक्टली भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड हो जाएगा, इटालिक करना चाहते हैं, अंडरलाइन, यानी कि सारा जो है ये आपका फॉन्ट जो है इधर, यहाँ पर जितनी भी पैराग्राफ और फॉन्ट है, ये आपका फॉर्मेटिंग यहाँ पर रिबन है। इससे आप क्या है, जितने भी अपना टेक्स्ट है वो फॉर्मेट कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप यहाँ अलग अलग आप कलर देना चाहते हो तो वो भी वहाँ यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। गॉट इट। अगर आपके पास कोई भी ऐसा फॉर्मेट है जो आपको नहीं चाहिए, तो आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए और यहाँ पर आपको ये साइज के साथ, यहाँ पर ये आपका है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जितनी फॉर्मेटिंग इसके ऊपर यूज हुई है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। तो सेकंड हमारे पास आ जाता है, फॉर्मेटिंग का टेक्स्ट यूजिंग द क्विक मेन्यू। क्विक मेन्यू में होता क्या है, जैसे ही आप अपने टेक्स्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपको ये शो हो रही है बार, ये मैंने खुद ओपन नहीं की है, ये ऑटोमेटिकली क्या है, आपको ये शो हो रही है। यहाँ से क्या है, आप अपने टेक्स्ट का अलाइनमेंट दे सकते हैं, बोल्ड इटालिक अंडरलाइन कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली क्या है आप अपना टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। गॉट इट। और यहाँ पर जैसे फिर से सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए फिर से यहाँ पर ये आ रही है, आप यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट पेंटर है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और यानी कि फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, जब भी आपने ये फॉर्मेटिंग, फॉर एग्जाम्पल आपका एक टेक्स्ट है, उस पे आपने बहुत सारी फॉर्मेटिंग लगाई है, यानी कि कलर यूज किया है, वही फॉर्मेटिंग क्या है, आप बार बार जो है और भी टेक्स्ट के लिए यूज करना चाहते हैं, तो आप फॉर्मेट पेंटर यूज कर सकते हैं। यहां से आप कलर चूज कर सकते हैं, रेड कलर। ओके, गॉट इट। ये सिंपल स्टेप्स है, खुद स्टेप्स क्रिएट करिए, रट्टा मत लगाइए, बहुत ही ईजी है कंप्यूटर्स का। एक बार आपको प्रैक्टिकल करना आ गया तो क्या है, इजीली आप क्या है हर चीज को इसमें खुद अपने क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने जो स्लाइड है उसका बैकग्राउंड कलर कैसे आप चेंज कर सकते हैं, और किस तरीके से आप अपना वाटर मार्क उसमें यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।